हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबसे शाय स्टाइल इंस्पायर्ड आई मेकअप डॉल आई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल बटन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये बहुत ही प्यारा डॉल आई मेकअप है जो कि साइमा ने अपने चैनल पर अपलोड करा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था उनकी आईज़ पे ये डॉल आई मेकअप, तो मैंने सोचा मैं भी ये क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को पहले से फिलअप कर लिया था, और अब मैं यहाँ पे स्विस बीयूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। उनके जैसे मैंने सेम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करे हैं, लेकिन उनके जैसा ही एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने यहाँ पे ये आई मेकअप क्रिएट करने की कोशिश करी है। और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल भी रहे, बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी रहेगा। और जितने भी मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं मेकअप के, बहुत ही सस्ते रीजनेबल प्राइस के हैं, 200 के अंदर है सारे प्रोडक्ट्स। तो आप मेरे इस प्रोडक्ट्स के बारे में आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, या चाहे तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो बाय करना हो, और चाहे तो आप ऑफलाइन भी ईजिली शॉप से मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने अपने कंसीलर को अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और उसकी कवरेज आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। मेरे डार्क सर्कल को बहुत ही ईजिली कवर कर देता है और बिल्कुल भी क्रीज भी नहीं होता, और आराम से ये 4-5 घंटे स्टे करता है ये कंसीलर। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी, और रीज़नेबल प्राइस है, एकदम 200 के अंदर आपको मिल जाएगा ये बहुत ही ईजिली मार्केट में, और ऑनलाइन भी आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए, मैंने कंसीलर से कंसील कर लिया, और अब मैं अपने इस ट्रांसलूसेंट ब्लू हेवन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर रही हूँ उस कंसीलर को। सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेट नहीं करोगे तो हमारा जो कंसीलर होता है वो क्रीज कर जाएगा, फटने लगेगा, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा पाउडर से ज़रूर सेट करा करें अपने कंसीलर या फाउंडेशन आप जो भी लगाते हो, और चाहे तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो। ये मेरा लूज़ पाउडर है, और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। और अब मैं अपनी इस आई शेडो पैलेट से ये पिंक कलर ले रही हूँ, जैसा कि साइमन ने अपनी इस आई मेकअप में सबसे पहले पिंक शेडो अप्लाई करा है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे हिलेरी रोडा की इस आई शेडो पैलेट से पिंक कलर मैंने लिया है। और अपने ब्यूटी ब्लेंडर की ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में, और बैक एंड फोर्थ में अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग पे आपको फोकस देना है, क्योंकि ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप क्रिएट होगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा मेकअप जो है मेरा उनकी तरह लगे। अगर लगा हो आपको अच्छा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसको मैं इस तरीके से अच्छे से ब्लेंडिंग करते जा रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं इस कलर को इंटेंसीफाई कर रही हूँ धीरे धीरे, और थोड़ा सा और डार्क करा है मैंने ताकि अच्छे से डेप्थ आ जाए। और इसके बाद मैंने हल्का सा और इससे डार्क टोन में जो पिंक शेडो है मैंने वो अप्लाई करा है, और मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी क्रीज में अच्छी सी डेप्थ आ जाए। कुछ मैंने इसमें अपना भी अलग से अपनी तरफ से कुछ कलाकारी भी करी, थोड़े से कलर भी मैंने थोड़े से हल्के इधर उधर लिए जो कि साइमा ने नहीं लिए। और अब मैं अपनी इस मार्स के आई शेडो पैलेट से ये ब्लू शेडो अप्लाई कर रही हूँ। उनकी आई शेडो पैलेट्स तो अलग सी थी, और उनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी महंगे थे, तो मैं उनके जैसे प्रोडक्ट्स तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास रीजनेबल प्राइस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उनसे ही आपको इतना अच्छा मेकअप क्रिएट करके दिखा रही हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा था आई मेकअप, बिल्कुल डॉल वाला लुक आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने इस आई शेडो को पूरा लिड पे अप्लाई करा है, और अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा पिंक शेडो लिया है मैंने अपनी ब्लेंडिंग ब्रश पे, और जब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ पिंक और ब्लू को, तो वो पर्पल शेडो अपने आप ही क्रिएट हो रहा है। पिंक और ब्लू कलर मिक्स होकर पर्पल बन रहा है, तो वो आपका ईजिली क्रीज में पर्पल कलर आ जाएगा। और अगर पर्पल कलर आपको और थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो आप थोड़ा अपने आई शेडो पैलेट से पर्पल कलर भी अप्लाई कर सकते हो, और उसे अच्छे से ब्लेंड करते जाना है आपको। तो जैसा कि उनकी वीडियो में उन्हें मतलब पिंक पर्पल ब्लू तीन कलर का कॉम्बिनेशन है उनके आईज़ में इस डॉल आई मेकअप में, उसी तरीके का मैं भी यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बार बार पिंक शेडो अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का आई शेडो भी लिया है अपनी इसी हिलेरी रोडो की आई शेडो पैलेट से। बहुत ही सस्ती और अफोर्डेबल है, करीब 200 के करीब आपको मिल जाएगी इजीली मार्केट में। ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट शॉप पे सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। और बिल्कुल सारे कलर्स इसके मैट कलर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करते जा रही हूँ। तो आपको इस तरीके से बैक एंड फोर्थ में ब्लेंडिंग करनी है। और मैंने यहाँ पे दोबारा से वो ब्लू शिमर शेड अप्लाई करा है,
और अब मैं इस यहाँ पे लूज़ पिगमेंट्स है मेरे पास, ये ज़्यादातर ये मार्केट्स में मिल ही जाते हैं बहुत इजीली। इसमें से मैंने यहाँ पे ये पर्पल शेडो लिया है, जैसे कि उनने अपनी वीडियो में भी पर्पल शेडो कॉर्नर पे अप्लाई करा, तो मैं यहाँ पे भी इस लूज़ पिगमेंट से अप्लाई कर रही हूँ पर्पल शेडो। उनके पास तो अलग ही प्रोडक्ट्स थे, बहुत महंगे महंगे थे, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल है। और इस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा है तो मैं अभी मार्केट में ख़रीद नहीं सकती, तो इसलिए मेरे पास जो है मैंने उसी से क्रिएट करने की कोशिश करी है आई मेकअप। और अब मैं इसी लूज़ पिगमेंट से पिंक कलर का पिगमेंट लेके मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। इसके पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसकी आप पिगमेंटेशन भी देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे इनर कॉर्नर पे आपको इसी तरीके से अच्छे से हाईलाइट करना है। तो अच्छे से हाईलाइट करने के बाद अब मैं यहाँ ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ मैंने NYB की पिगमेंट वाइट पिगमेंट पेंसिल ली है, बहुत ही पिगमेंटेड है, इतनी शाइनिंग है इसमें, तो ये हमारा पिगमेंट हाईलाइटर का बहुत अच्छा काम करता है। और मैं अपने लोअर लैश में भी पिंक शेडो अप्लाई कर रही हूँ, पिंक और थोड़ा सा पर्पल में शेडो में अप्लाई करा है लोअर लैश लाइन में। और अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करनी है आपको छोटे से ब्रश से, अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करते रहना। उसके बाद मैं अपनी आई लैशेज़ को कर्ल कर रही हूँ, दोनों आई लैशेज़ को आपको अच्छे से कर्ल करना है। तो कर्ल करने के बाद मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्यूब ली है, उसको लोअर लैश के नीचे रखा है, फिर उसके ऊपर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे लोअर लैश में जब मैं मस्कारा लगाऊँ तो वो मेरी स्किन में टच ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोअर लैश में मस्कारा अप्लाई करते समय वो स्किन पर टच हो जाता है तो पूरा आपका मेकअप भी ख़राब हो सकता है। इससे हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है लोअर लैश में मस्कारा लगाने में, ये बहुत ही बढ़िया हैक है, इसे आपको ज़रूर ट्राई करना एक बार। और इसके बाद मैं अपनी अपर लैश में भी मस्कारा अच्छे से कोट कर रही हूँ। और ये मस्कारा भी मेरा स्विस ब्यूटी का है, स्विस ब्यूटी के सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सस्ते भी हैं और बहुत ही अच्छे भी हैं, और इतने अच्छे आपको हाईली ब्रांड की तरह एकदम फिनिशिंग देते हैं। और इसके सारे आई शेडो पैलेट्स भी, कंसीलर और मस्कारा हर एक चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। और अब मैं यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, लाइनर मैं यहाँ लिक्विड लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें विंग ड्रॉ नहीं करना आपको, सिंपल सी लैश लाइन में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हमारा वो जो मैं आई लैशेज लगाऊँ तो वो बैंड छुप जाए उसका। तो मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर लिया, आप कोई सा भी ले सकते हो। इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपनी इस पर्पल लैश लाइन में, बस सिंपल सी लाइन ड्रॉ करनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी, ज़्यादा पतली भी नहीं करनी, बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करके आपको छोड़ देना है फिर। और अब मैं अपनी फेक लैशेस अप्लाई कर रही हूँ, उस फेक लैशेस को मैं अच्छे से स्टिक कर रही हूँ ताकि इस तरीके से दबाना है आपको जब भी आप फेक लैशेस अप्लाई करते हो, तो वो हमारी जो नेचुरल लैशेस होती हैं उसके साथ बहुत ही ईजिली स्टिक हो जाती हैं और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं यहाँ पे अब वाटर लाइन पे वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ, वाइट काजल मेरा ये स्टे करके का है। तो लीजिए मेरा फाइनल लुक तैयार है, और मैंने अपने हेयर्स को भी थोड़ा कर्ल कर लिया जिस तरह उनने अपनी वीडियो में हेयर्स को कर्ल करा था, वो तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। खैर मैं यहाँ पे अपना पूरा फेस रिवील नहीं कर सकती हूँ, बस मैं आईज़ मेकअप क्रिएट करती हूँ अपने चैनल पे, तो मैं आईज़ का मेकअप ही दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने कर्लिंग कर ली अपने हेयर में, तो उम्मीद है आप सबको लग रहा हो कुछ कुछ साइमा की तरह मेकअप, मैंने कोशिश तो पूरी करी कि उनकी तरह लगे। पसंद आए तो आपको लाइक ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पे मैं पोस्ट डालती रहती हूँ, और हमेशा मतलब आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना और मुझे वहाँ मैसेज करना, मैं आपको हर मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।